हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं कि श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसको प्रूफ कैसे किया जाता है? चलिए इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले का प्रूफ कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू जीरो। देखिए, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी की हेल्प से हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। देखिए, जैसे हमने यहां से कॉमन लिया है ए, ए कॉमन अगर हम लेंगे तो कॉमन कितना आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस के। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जहां से कॉमन नहीं आता है और जिस क्वांटिटी को हम कॉमन लेते हैं वो अपॉन में चली जाती है। जैसे b के यहाँ कॉमन a नहीं आ सकता, तो इसको लिख सकते हैं हम b अपॉन a x प्लस के c अपॉन a इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो देखिए a को अगर हम डिवाइड में ले जाएंगे तो कितना आएगा? यहां से x स्क्वायर प्लस के b अपॉन a x प्लस के c अपॉन a। ठीक है, आगे देखिए, इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस के बी अपॉन ए एक्स प्लस के सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। हम इसको अब कंप्लीट होल स्क्वायर बनाएंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको, इस इक्वेशन को। वो देखिए उसमें क्या करना पड़ेगा हमको। हमने क्या काम करा, ये जो एक्स का कोफिशियंट है बी अपॉन ए, इसका हाफ लिया। बी अपॉन ए का हाफ कितना आएगा बच्चों? b अपॉन टू ए, बी अपॉन ए का हाफ। कंप्लीट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, कि x का जो कोफिशियंट है उसका हाफ करो, हाफ कर दिया हमने, और उसका स्क्वायर करो, इसी को ऐड कर दो और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन। जैसे देखिए हम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के वी अपॉन ए एक्स प्लस वी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ऐड किया और वी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया। आगे देखिए, प्लस के सी अपॉन ए, अच्छा सी अपॉन ए रिमेनिंग बचा हमारा अभी, इक्वल टू जीरो। अब देखिएगा x स्क्वायर, ये देखिएगा x स्क्वायर प्लस के b अपॉन ए एक्स प्लस के b स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस के, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू b अपॉन 2a x, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई इस टर्म को 2 इंटू बी अपॉन टू ए इंटू एक्स। क्यों? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर b अपॉन ए एक्स हमारा बच जाएगा, फिर माइनस के b अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, या इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखो, प्लस के b अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, और इसको लिख दो स्क्वायर खोलने के बाद, जैसे बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस के सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। अब देखिए, ये वाली जो टर्म है 3, ये बन गई है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला बन गया है ए प्लस बी का होल क्यूब, वो होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी। क्लियर है? तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, एक्स एक्स प्लस के बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है 2, इसको ले गए हम इक्वल के इधर, जैसे बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये माइनस की टर्म है, इधर जाए कैसी होगी बच्चों? प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a।
तो देखिए अब क्या काम करेंगे हम, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, इधर माइनस का है, इक्वल के इधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा बच्चों, ये बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस, और सी अपॉन ए इधर प्लस का है, इधर जाएगा कैसा हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो सी अपॉन ए कैसा हो गया माइनस का, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमें, एक्स प्लस के बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ऐसे लिखना है, एक्स प्लस के बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ये लिखा, एक्स प्लस के बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ऐसे लिखा। अब यहां पे ले लिया हमने एलसीएम, एलसीएम क्या आया बच्चों, फोर ए स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए कितना आएगा ये एलसीएम इसका, बी स्क्वायर माइनस के ए से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फोर ए, तो ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा वो, तो फोर ए सी, क्लियर है। अब एक्स प्लस के बी अपॉन टू ए, अब ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो इसको लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर माइनस के फोर ए अपॉन फोर ए का अंडर रूट, और वो भी कैसा प्लस माइनस, क्लियर है। अब देखिए एक्स प्लस के बी अपॉन टू ए इक्वल प्लस माइनस, फोर ए का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों, और उसका ऊपर वाले का नहीं निकल सकता, इसको ऐसे लिख देंगे बी स्क्वायर सी रहेगा, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी अपॉन नीचे कितना आया फोर का टू आ गया और ए स्क्वायर का ए आ गया। अब एक्स इसको इधर ले जाओ, एक्स इक्वल टू माइनस के बी अपॉन टू ए और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी अपॉन टू ए, क्लियर है। अब देखिएगा एक्स इक्वल टू एलसीएम आ गया हमारा 2a ऊपर माइनस के b प्लस माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो देखिए ये है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला और ये हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। देखिए इसकी हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं, जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ये जिनको हिंदी में बोलते हैं मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको प्रूव करना है कर सकते हैं, देखिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे फॉर्मूले का प्रूफ लेकर, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।